बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स 2024 का गेस्ट पेपर करना है। तो इसके अलावा जो है गेस्ट पेपर के अलावा पासिंग फार्मूला, अगर मैं आपको बताऊँ कि पास आपने अगर सिर्फ पास होना है, यानी आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं, पूरी साल आपने किताब को टच ही नहीं किया, तो सिर्फ पास होना है, तो पासिंग फार्मूला भी आप डेफिनेशन आपको सबसे पहले मेरे पेज पर नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज के लास्ट में जो एमसीक्यूज है उनको सिर्फ रट्टा लगा लें, आप समझ के ना भी करें, सिर्फ सिर्फ उनको रट्टा लगा लें, तो इंशाल्लाह उसी में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, अगर 15 नंबर के नहीं भी आएंगे तो 13 या 12 नंबर के लाजमी उसमें से एमसीक्यूज आएंगे। 12 नंबर आपके वो जो है कि कन्फर्म हो गए, उसके बाद आपने डेफिनेशन ये करते हैं, तकरीबन 15 नंबर के 16 नंबर की डेफिनेशन आती है, तो 16 ये डालें तो आप जो है पास हो सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 के मसले आप कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर का मसले वाला सवाल भी हल हो जाएगा। तकरीबन ये 40 या 45 नंबर बनते हैं। अगर आप 45 नहीं भी ले सकते तो कम से कम जो है 45% पासिंग मार्क्स आप जरूर ले सकते हैं, 25 नंबर। और बच्चों के लिए मैथ इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये इतनी मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं जितना इसने अपने बच्चों ने अपने ऊपर हैवी किया होता। अगर इसे समझ के किया जाए तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट है मेरे नज़दीक, क्योंकि जो है कि इसे समझ के करेंगे तो ये आसान लगेगा, अगर इसे खुद पे हैवी करेंगे तो ये जो है मुश्किल लगेगा। पासिंग फार्मूला दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने ये डेफिनेशंस कर लेनी है, इसके अलावा आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लेने हैं, आपने रट्टा ही लगा लेना है उन एमसीक्यूज को। ना करें आप समझ के, नहीं समझ आती तो आप वो छोड़ दें चीज़ों को, आप जो है कि समझ के जो है कि रट्टा लगा लें एमसीक्यूज को, डेफिनेशंस को। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 को जो है कि आप मसले लाजमी कर लें, उनको भी आपने रट्टा ही लगाना है, चार चार पांच पांच जो है कि मसले आपने सिर्फ रट्टा लगा लें, तो इंशाल्लाह जो है कि आप ज़्यादा नहीं तो पासिंग मार्क्स लाजमी ले सकते हैं और एक दिन के अंदर आपकी ये तैयारी मुकम्मल हो सकती है। अदरवाइज गेस का मतलब ये हरगिज नहीं, ना समझें कि पेपर यही आएगा, इसका मकसद सिर्फ वो है जो पास पेपर्स में पेपर जो है कि पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर गैस बनाया जाता है कि इस तरह का पेपर आ सकता है। ऐसा हरगिज ना समझे कि हम ये बता दें और आप यही तैयार करके जाएं और वहाँ पे जो है कि पेपर ना आए, ऐसा हरगिज नहीं है कि इस यही पेपर आएगा, इसमें से पेपर आएगा, पेपर पैटर्न के जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से यह बनाया गया है, लेकिन जो है कि कन्फर्म ये नहीं है कि यही पेपर आएगा। लेकिन जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करें, बाकी अपनी दूसरी चीज़ें हरगिज ना छोड़ें, वो भी तैयार साथ साथ करें। उसके साथ जो है कि ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं, वो जो है गेस्ट पेपर में डाले जाते हैं। तो जो है कि जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है ना, जो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है नहीं, वो इन तीन चीज़ों को कर लें, एमसीक्यूज कर लें, उसके बाद ये डेफिनेशन कर लें और मसला जो है कि ये तीन चीज़ें कर लें, तो इंशाल्लाह आप पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले जो है हम जो है कि डेफिनेशन वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो है दो दर्जी मसावात, ये आपने दो दर्जी मसावात की आपने मुख्तसर तरीन शक्ल और जो है दो दर्जी मसावात की जो है कि ये डेफिनेशन, उसके बाद एक दो सवाल अगर आप कर लेते हैं दो दर्जी मसावात का शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछ लिया जाएगा ये, तो आपका जो है कि ये पार्ट है हल हो जाएगा, तकरीबन 4 से 5 नंबर वाला पार्ट हल हो जाएगा। दूसरी हमारी डेफिनेशन मरकजी रुझान के पैमाने। अब बच्चों को जो कि एक और कन्फ्यूज है, मैं जो कन्फ्यूजन क्लियर करता चलूँ कि बच्चों के डेफिनेशन मिलेंगी नहीं बुक से, तो अगर आपको बुक से नहीं मिलती तो बुक के लास्ट में जाए, छोटी छोटी इस डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि एक ऊपर लिखा होगा मरकजी रुझान, उसके आगे वो जो एक डेफिनेशन लिखी होगी, वो छोटी सी होगी, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, लेकिन जो है कि छोटी सी होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप उसे बआसानी कर सकते हैं। बुक के लास्ट में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की जो बुक है उसके लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पर ये डेफिनेशन आपको तमाम के तमाम मिल जाएंगे। उसके बाद माकूस मसावात, हिसाबी औसत, इसकी खसूसियात, कुव्वत नमाई मसावात, वस्तानिया, जजरी मसावात और समीर तफाल, समीरिक तफाल, वस्तानिया, जजरी मसावात, समीरिक तफाल, आधा, नस्बत, अकलीदी औस, तगीरास्त, मयारी इनहराफ, तगैर, माकूस, डिग्री, मसला तरकीब व तफसील, डिग्री, उसके बाद जो जाविया सऊद और जाविया नजूल, नातक कसर, वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर, रिडेन, दायरे का मुहित, जजवी कसूर, मुतरतिब जोड़े, कता दायरा, कार तीसी का, हासिल ज़रब, दायरा का सेक्टर, उसके बाद जो है कि शनाई रबत, दायरे का वितर और कतर, सकते तहती सेट, उसके बाद कुवत, कुवत सगीरा और कुवत कबीरा, दो सेटों का तकाता, सेक्टर और कता, तफाल, कता खत,
वन तफाल दायरे का ममास। उसके बाद अन टू तफाल मरकजी जाविया, हाई जैक्टिव तफाल साइक्लिक चकोर, डी मार्गन ला ज्योमेट्री जमाती निशान, मैसूर दायरा मजमू तादाद, दायरे का कता और कालमी नक्शा। चैप्टर नंबर 9 या 12 के तमाम मसले थ्योरी लाजमी तैयार करें। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो पास होने के लिए थ्योरी प्लस तारीफें प्लस मशकी मरूजी सवाल लाजमी करें। ये तीनों चीज़ें मैंने बताई, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जो दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें आपने लाजमी करनी है। मारूजी के लिए हर चैप्टर के मशकी सवाल की तैयारी लाजमी करें। रियाजी के ज़्यादातर मारूजी सवाल मशक से ही पूछे जाते हैं, यानी 15 नंबर के ज़्यादातर, जो है कि अगर बाज़ अवक़ात इतना होता है कि 10 नंबर पूछ लिया जाता है और 5 नंबर का नहीं पूछा जाता। तो जो है कि अगर आप 5 10 नंबर आप एक्सरसाइज से लेते हैं और 5 में जो है कि आप तुक्का भी लगा देते हैं, अपने पास से भी लगा देते हैं, तो 2 3 नंबर वहाँ से भी आ जाते हैं, तो 10 12 नंबर यानी कि आपके मरूजी के क्लियर होते हैं। उसके बाद जो अब हम चलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट सवाल की तरफ। लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ से आएंगे? सबसे पहले अगर आपके पास टिप्स है तो वो टिप्स कर लें, अदरवाइज अगर आपके पास टिप्स नहीं है तो जो है कि इन सवाल को देखें। यूनिट वाइज ये दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी आपने छोड़ देना, लेकिन इनको जो है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने कर लेना। एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से सवाल नंबर 1 3, उसके बाद जो है कि जो सवाल नंबर 2 से जो है कि जूज नंबर 1 और सवाल नंबर 3 से 1 और 4 सॉरी 6, उसके बाद जो है कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 से सवाल नंबर 1 का जो है कि सवाल नंबर 6 हमने करना है, जूज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 1.3 से सवाल नंबर 5 और 13 हमने करना है सिर्फ। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज वाला ये आप छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट होता है वैसे। रिव्यू एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं वहाँ से आप देखें सवाल नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 3 5 और 6। सवाल नंबर 2 की तरफ आएँ तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है दो दो लॉन्ग आने हैं इंशाल्लाह। एग्जाम्पल नंबर जो है कि 1 का B पार्ट और एक्सरसाइज नंबर 2.1 से सवाल नंबर 1 का 2 3 और 4 प्लस सवाल नंबर 6। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.2 से सवाल नंबर 2 2 का जो है कि जूज नंबर 2 3 और 8। एक्सरसाइज नंबर 2.3 से सवाल नंबर 1 का 2 3 5 और 6, सवाल नंबर 4 का 1 और 2। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4 सवाल नंबर 3 का 2, एग्जाम्पल 1 1 1 प्लस 2 और जो है कि इसका 1 यानी 2। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर हमारी है 2.5 सवाल नंबर 1 का CEF और एक्सरसाइज नंबर 2.6 1 जो सवाल नंबर 1 का जो है कि जूज नंबर 1। रिव्यू एक्सरसाइज में जो है 2.1 में सवाल नंबर 2 का 3रा पार्ट, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां। तो ऐसा हरगिज़ ना समझे कि ये सवाल आपने यहीं पे करना। अगर आप आगे FSC करते हैं प्री इंजीनियरिंग में तो ये सवाल जो है कि आपको आगे भी आने हैं मैथ के हवाले से, अगर मैथ आप रखते हैं। अगर बायो में करते हैं तो जो है मैथ आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.1 में से सवाल नंबर 1 का जूज नंबर 4 4 और 4 8 11 और 11 का जो जूज नंबर है 1 और 3 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.2 से जो है सवाल नंबर आपने 4 करना है, ये पूरा करना है पार्ट। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 से सवाल नंबर 1 का जो है जूज नंबर 3, सवाल नंबर 2 का जूज नंबर 1 2 और सवाल नंबर 3 का जो है जूज नंबर 1। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.4 है सवाल नंबर 2 आपने जो है कि इसका 6वां 7वां 9वां पार्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 B और जो है कि एक्सरसाइज नंबर 3.5 में से और 3.6 आपने मुकम्मल करनी है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज सवाल नंबर 2 में से 9 10 और जो है कि 14 आपने करना है। उसके बाद जो है कि यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.1 से सवाल नंबर 3 4 5 6 7 6 और 8 ये आपने करना है। और एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 4.2 से सवाल नंबर 3 6 8 करना है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 से सवाल नंबर 2 और 8 करना है। 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5.1 में से आपने सवाल नंबर 3 का जूज नंबर 5 करना है और 6 का जूज नंबर 1 करना है। 5.2 से आपने सवाल नंबर 2 का 3रा सवाल करना है। एक्सरसाइज नंबर 5.3 से आपने सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर जूज नंबर 1 2 3 सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 का जूज नंबर 3 करना है। उसके अलावा जो है कि आप एक्सरसाइज वाले आप खुद से देखें, आपको जो है टाइम बगैर टाइम ज़ाया किए 6 से जो है कि आप देख सकते हैं सवाल एक्सरसाइज नंबर 6.2 से आपने सवाल नंबर 3 करना है सिर्फ और एग्जाम्पल 1 करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.3 से सवाल नंबर 4 और 5 करना है। 7 वाले आप देखें और उसके बाद जो है कि ये टोटल जो है कि हमने 7 एक्सरसाइज करनी है इंशाल्लाह। इसमें से आपको जो है कम्प्लीट पेपर सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व पेपर मेरे पास था लेकिन आपका जो है कि उसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया होना था और उसमें जो है कि
आपको समझाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होना था। यहाँ से जो है कि आपको मैंने बता दिया, तो इंशाल्लाह जो है कि यहाँ से आप उन इन सवालों का आपने पूरी एक्सरसाइज देखनी है, और उस वहाँ से ये सवाल पिक करना, और जो है कि उसको ज़्यादा अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।